सुनो, ना किसी के घर में जाओ, ना किसी को घर में बुलाओ, अतिथि विष्णु भवा, समझ गए ना दोस्तों? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? अभी सुबह मैं उठा, अभी सुबह के बजे हैं 6:30, और क्योंकि आज धूप अच्छी आ गई है तो मैं अभी जस्ट मुँह हाथ धो के आया। मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ, क्योंकि 3-4 दिन से हमारे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, बारिश हो रही थी। आज बारिश सही है हमारे यहाँ, आगे दिखाते क्या होता है। सुबह सुबह आज मम्मी की आंगन धुलाई चल रही, वैसे आज क्या रोजी चलती है मम्मी की, है मम्मी? आज भी हक रखा था आंगन में तो बैल जी हमारा आंगन में हकता है, रात को बाहर नहीं ले जाते ना। तीन बार बाहर ले गया, ले जाता है अंदर 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 ही। हां ये है, ये हमारा छोटा सा बैल जी है बैल जी। मैं नहीं बोल रहा बैल जी। दोस्तों अब 2-4 दिन से बारिश हो रही थी ना लगातार, तो पेड़ पौधे सब खुश हो गए, सब पानी से लबालब हरे हरे हो गए। मतलब काफ़ी टाइम बाद इतनी अच्छी हरियाली छा रखी, वैसे काफ़ी टाइम से सूखा पड़ा हुआ था। बैल जी ये क्या कर रही मम्मी? बॉल गंदी कर रखी इसने, ये आ गया फिर कहाँ जा रहे हो बाबू? बाबूजी धीरे चलना प्यार में, बाबूजी आपने मक्खी काट दी, बिल्ली आपने मक्खी काट दी, मक्खी फैला दे रहे हो आप। अंडा खा ले, चीजी बिल्ली ने आ तेरे को, तेरी वाली चीजी रखी है, नहीं बिल्ली तेरे को। कहाँ जाना चाह रहे हो? अंदर मत ले जाना, बिल्कुल मत ले जाना उसको आज। बैल जी सेट, और यहाँ प्रिया का झाड़ू लग रहा है, तो बैल जी भैया यहाँ भी आ जाएंगे। जहाँ जहाँ काम होता है ना, थोड़ी देर जाता है, काम करता कहीं नहीं है, बढ़ाता है बस। ये थोड़ी देर तोड़ तोड़ के पूरी दीवार तोड़ दी, दीवार पूरी खा दी दोस्तों इसने। जहाँ बैठते हैं वहाँ की दीवार, एक जरा सा इतना सा टुकड़ा था, इसने नोच नोच के पूरा ये खा दिया। इतना सा था? हाँ इतना सा टुकड़ा था, उसने पूरा ऐसा कर। कल मैंने मारा इसको, फिर यहाँ खाने में लगा। कल तो मैंने टाइम पे देख लिया ना, ना रात को खाता है दिन को खाता है, भाग्य देख चुगली पकड़ी गई ना भाग्य दोस्तों। तो थोड़ी देर पहले मम्मी को परेशान कर रहा था बाहर, मम्मी पोछा लगा रही थी ना, वो आंगन धो रही थी, ये देखो नो। और यहाँ प्रिया को परेशान कर रहा, प्रिया बेचारी कभी कभी तो मेहनत करती है, अंकित रोज मेहनत करता है बिस्तर में सुबह। हाँ हम कभी कभी मेहनत करते हैं। आज 3 दिन बाद ऐसा आसमान देखने को मिल रहा है, घनघोर बारिश, सुबह से शाम तक बारिश, दिन रात तक बारिश, हर समय बारिश हो रखी थी आज तो, मतलब कल तक। ये तो सुबह की चाय, पी जाए उसके बाद आगे दिखाया जाए आपको। हाँ यहाँ प्रिया पोछा लगा रही, लेकिन ये भाई साहब क्या दिक्कत है तेरी? फिर पोछा लगा, क्या दिक्कत है तेरी? मम्मी बाहर साफ कर रही थी तो तू बाहर नाचा, प्रिया ने झाड़ू लगाया तो तू वहां पर आ गया, अब वो पानी से साफ कर रही तब तू आ गया, क्या दिक्कत है तेरी? बैल जी क्या चाहता है, कुछ काम ना हो घर पे, खुद तो तू कुछ करेगा नहीं, क्या है गुनू? भागा। तो दोस्तों अभी मैं काट रहा हूँ लौकी, ये काटे मैंने थोड़े से गद्दू पहाड़ी में, गद्दू अच्छे से काट। दोस्तों ये जगह खेलने का शिकार मत होना, ये कोई सब्जी नहीं काटा, ये सिर्फ अपने सांभर के लिए कर रहा है। हाँ मैं सांभर बना रहा हूँ, वो समझ गए होंगे देख के, तो मैं सांभर बनाने वाला हूँ, उसकी तैयारी चल रही है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, कल मैंने सांभर का होममेड मसाला बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या नाम बोलते हैं उसको, इमली की कमी के कारण, इमली ना होने के कारण कल वो हमने प्लान इमली स्टार्ट रात को 9 बजे, 8:30 बजे सॉरी तो। अगर ऐसे ही मांग सकते होते तो फूड फूड वाले चैनल से ही सब मांग लेते। ये मम्मी को सिखाओ ना, जो मम्मी आज वो बन रही है। वैसे अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, टीवी में जो दिखता है हाथ डाल के निकाल लेते, ऐसी टेक्निक कभी नहीं डेवलप। मैं तो आईफोन और कैमरा निकालता। मैं तो खाने पीने का ही निकालती रहती। मैं अच्छे अच्छे मोमो की वीडियो देखती, टीवी में कनेक्ट करके लगाती और वहां से निकालती रहती। फ्रंट में करके बना तो वीडियो तो कैसी बना पाती है? बहुत दुख की बात है कि मैंने सांभर के लिए सब्जियां बनाने रखी और मेरी सब्जी जल गई। बड़ा दुख हो रहा मुझे यार, क्या करूं मैं।
अब क्या होगा इस विषय में, तो सोनू सूद भी मेरी मदद नहीं कर सकता। कोरोना काल, लॉकडाउन, ऊपर से सांभर की सब्जी का कचुम्बर। क्या आप लोगों में से कोई मेरी मदद कर सकता है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताना। इडली रेडी, सांभर रेडी, तो ये हमा के लिए, हमा ले खा के देख, खा के तो देख। ये इडली है, ये सांभर है, ये वो है क्या बोलते हैं नारियल की चटनी। ये तू ऐसे ही खाएगी तुझे गदगदी लगेगी। इसको इस पे डोब के वैसे खाते हैं। चम्मच लाऊं तल्ले में? खा के बता कैसी हो रही। चटनी भी खा सकती है तू। हाँ चबाया है नहीं, अच्छा हो रहा बल। अमा इससे भी खा सकती है। हाँ तू ये पीछे से भी चाट सकती है। तो अमा को पसंद आया ऐसा अमा बोल ली, लेकिन पता नहीं पसंद बढ़िया हो रही है। और अमा और ये सांभर और डाल दूं तल्ले? इडली दूं और क्या? खा ले क्यों? अच्छा तो अमा नहीं खा रही, तो एक इडली ले जा रहा हूँ मैं। अमा खा ले। तो दोस्तों अब हमारी जो मेरा मतलब जैसा भी था थोड़ा बहुत जल गया कुछ हो गया, फाइनली जो मतलब बना है मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इडली सांभर बनाने की प्लानिंग थी और आपने देखा ही था मेरे साथ बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं दिखाता हूँ फाइनली कैसा बन के आया है। यह है दोस्तों, तो ये हमारी नारियल चटनी है, ये हमारी इडली है और ये हमारा सांभर है। इसको खाने वाले हैं। मजा आ रहा है, मुझे तो अपने हाथ की बनाई। लेकिन ये मसाला रेडीमेड था, अगली बार जब मैं ट्राई करूंगा मैं घर में बना के ट्राई करूंगा ज्यादा ज्यादा। आज हम कंपटीशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मजा नहीं आता वो जल्दी। हाँ वो जल्दीबाजी में खाना पड़ता है। पर यार ये महंगा, बहुत महंगा पाउडर मंगाया था हमने बाजार से, वो ट्राई करना था, तो इसके मजे को हम ऐसे बेकार नहीं कर सकते थे, है ना प्रिया? तो अगली बार हम घर में बनाएंगे अपने होममेड मसाले से, तब करेंगे। कैसा लगा? क्यों बंदर के जाना अदरक का स्वाद, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा बहुत सुंदर धूप आ रही, मतलब बड़ी खुशी सी हो रही थी कि तीन दिन बाद के फाइनली धूप आएगी, लेकिन लग गए ऊपर दोबारा से बादल, सारा मूड खराब हो गया। और 3 दिन से बहुत घनघोर बादल लगे हुए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, पंखा भी नहीं चला पा रहे, ठंडी बहुत लग रही थी। सोचा था आज धूप आएगी, सवेरे बहुत अच्छी धूप आई थी, लेकिन अभी फिर वो धूप चली गई। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, ये फिर बादल आ गए। ये अमा फिर जाड़े में ठिठुर के अंदर बैठी है। अमा अब तो धूप आ गई थी सुबह, अब तो फिर बादल लग गए। अमा सुबह बहुत बढ़िया धूप आई थी, एक चमक आया था। अमा बादल लग गए दोस्तों, देखो अमा फिर कंबल ओढ़ के बैठ गई है। बहुत ही जाड़ा हो गया बोले, बहुत ही अच्छा लग गया। बनैन भी पहनी है अमा? अच्छा बनैन भी, कंबल भी। अच्छा तो चलो दोस्तों दिखाते हैं आगे। मम्मी और बहन जी, मम्मी और बेटा है बहन जी, गुड बॉय मेरा, मम्मी एंड बैल जी बैठे हैं। गुड बॉय, अभी वो चीजें खाएगा, अंडा खाएगा। अभी अंडा नहीं खाया ना, अभी रोटी खाई, बंद खाई इसने, अब अंडा खाएगा, रोटी खाएगा और गालियाँ खाएगा। गाली तो दिन भर खाते रहता, परेशान करता, तो गाली भी खाएगा। क्या गाली तो मुफ्त की खाता है। हाँ, तो हमको कितना रुलाता है वो नहीं है क्या? हाँ तो चलो दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए। कितने प्यारे थे वो, कितने गुड बॉय मां। हाँ तो व्लॉग अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा और हमें सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।